हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा अवसर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पर्यावरण में जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं वो टॉपिक होगा उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री। अगर दोस्तों अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक पर्यावरण की दृष्टि से और मानवीय दृष्टि से दोनों से संबंधित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि ये जो टॉपिक रहेगा ये जागरूकता के विषय को भी लेके आता है। यानी किसी व्यक्ति को अगर भवन का निर्माण करना है, एक घर का निर्माण करना है, तो उनको किस किस बातों का ध्यान रखना होगा ताकि वह किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार न हो। इसलिए दोस्तों यह वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्राकृतिक आपदा से जो हम शिकार होते हैं, जो घर शिकार होते हैं, जो मानव शिकार होते हैं, वह इससे बच सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन कौन सी होती है। सर्वप्रथम बात करते हैं उत्तम आवास। उत्तम आवास किसे कहते हैं? दोस्तों उत्तम आवास की अगर हम बात करें तो एक ऐसा आवास जो मानव के रहने के अनुकूल हो, जो प्रकृति के अनुकूल हो, प्राकृतिक घटनाओं के अनुकूल हो, उसे हम उत्तम आवास कहते हैं। ऐसा आवास का निर्माण किया जाए जिस आवास में रहकर मानव अपना विकास करे बिना किसी रुकावट के, ऐसे आवास को उत्तम आवास कहा जाता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम बात करनी है हमें भवन निर्माण की योजना से। अगर आप किसी आवास का निर्माण कर रहे हैं यानी भवन का निर्माण कर रहे हैं तो भवन के निर्माण की आपको योजना बनानी है, निर्माण की योजना। दोस्तों बिना योजना के भवन निर्माण नहीं हो सकता है। अगर आपको एक नया भवन बनाना है तो सर्वप्रथम आपको आपके घर की आय को देखना होगा कि आपकी घर की आय कितनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको यह देखना होगा कि आपके घर में सदस्यों की संख्या कितनी है। उसके तत्पश्चात उसके बाद आपको यह देखना होगा कि आपकी आय का स्रोत क्या है। तत्पश्चात आपको यह देखना होगा कि आपको भवन कब, भवन के निर्माण का कार्य कब आरंभ करवाना है। तत्पश्चात आपको यह देखना होगा कि इस भवन का कार्य कब तक पूरा हो जाए। यानी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें भवन निर्माण के कार्य से पहले ही सोचना होता है। तो दोस्तों जिन बातों के बारे में मैंने अभी आपको बताया है उन बातों के बारे में हमें पूर्व ही सोचना पड़ता है। सोचने के पश्चात ही हमें भवन निर्माण की योजना बनानी है। योजना बनाने के पश्चात उस योजना पर हमें कार्य करना है। अब देखिए दोस्तों, जब भवन निर्माण की हमने नई योजना बनाई, ठीक है, अब हम भवन के निर्माण की बात कर रहे हैं तो भवन के निर्माण के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, किन किन बातों पर हमें ज्यादा फोकस करना है, हम उनके बारे में भी बात करते हैं। सर्वप्रथम हमें भवन निर्माण के लिए हमें सर्वप्रथम चाहिए दोस्तों स्थान का चयन। स्थान का चयन। दूसरा हमें ध्यान देना है दोस्तों भूमि का चयन। भूमि का चयन। तीसरा दोस्तों हमें दिशा विन्यास। दिशा विन्यास। और चौथा हमें ध्यान देना है दोस्तों बनावट पर। बनावट, ठीक है। तो इन चार पॉइंट पर हमें ध्यान देना है भवन निर्माण के समय। तो सर्वप्रथम बात करते हैं स्थान के चयन से। स्थान का चयन, सबसे पहले जब हम भवन बनाते हैं या भवन के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले एक स्थान देखना है। अब स्थान देखना है क्योंकि स्थान पर ही भवन बनाएंगे। अब स्थान देखते हैं और ऐसा स्थान देखना है जहां पर स्वच्छता हो, एक ऐसा स्थान देखना है जहां पर जमीन अच्छी हो, एक ऐसा स्थान हमें देखना है जो ज्यादा शोर शराबे में न हो, एक ऐसा स्थान देखना है जहां पर कोई उद्योग उपस्थित न हो, एक ऐसा स्थान हमें देखना है जहां पर
प्राकृतिक रूप से सनलाइट आ सके, सूर्य का प्रकाश आ सके। एक ऐसे स्थान को देखकर आप सभी को भवन का निर्माण का कार्य आरंभ करना है। तत्पश्चात दोस्तों भूमि का चयन। अब भूमि का चयन आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आप जिस स्थान को देख के आए हैं, अब उस स्थान में आपको यह देखना है कि भूमि कैसी होनी चाहिए। अब भूमि के प्रकार होते हैं दोस्तों, हम उन प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो भूमि का पहला प्रकार होता है पथरीली भूमि। पथरीली भूमि। दूसरा दोस्तों प्रकार होता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। तीसरा प्रकार होता है दोस्तों रेतीली भूमि। रेतीली भूमि। चौथा होता है दोस्तों कंकरीली भूमि। कंकरीली भूमि। और दोस्तों लास्ट होता है चूनायुक्त भूमि। भूमि कुछ इस प्रकार की भूमियां होती है दोस्तों, पथरीली भूमि, चिकनी मिट्टी की भूमि, रेतीली भूमि, कंकरीली भूमि, चूनायुक्त भूमि। अगर इनमें देखा जाए तो ये सारी भूमियां किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में तो अच्छी होती है, लेकिन बनावट के आधार पर इन सभी भूमियों में अंतर होता है। जैसे अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि एक भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी होती है, भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त भूमि कौन सी है, तो दोस्तों भवन निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त भूमि होती है पथरीली भूमि। पथरीली भूमि के पीछे का कारण ये होता है दोस्तों उपयुक्त होने के, कि पथरीली भूमि में पानी नहीं ठहरता है, पानी धीरे धीरे रिस कर कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, पानी नहीं ठहरेगा। दूसरी बात, पथरीली भूमि में जब नींव होती है उस नींव को गहरा खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी बात, पथरीली भूमि पर नींव जो होती है दोस्तों वह नींव मजबूती के साथ खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि पथरीली भूमि कभी जमीन के अंदर नहीं धंसती है। बाकी भूमि जो होती है इसमें एक संदेह होता है कि एक समय के पश्चात यह पानी के साथ नीचे धंसने लगती है। जब यह नीचे धंसने लगती है दोस्तों तो इसकी नींव भी नीचे धंसने लगती है, जिसके कारण एक भवन कमजोर हो जाता है या फिर कोई डिजास्टर आने की घटना घट सकती है। किंतु पथरीली भूमि के साथ कुछ ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो भूमि का चयन करना। तत्पश्चात दिशा विन्यास। दिशा विन्यास का मतलब यह होता है कि एक ऐसी दिशा में भूमि देखना तथा एक ऐसी दिशा में भवन का निर्माण करना जहां पर प्राकृतिक रूप से हवा 12 ही महीने आ सके, प्राकृतिक रूप से वहां पर सनलाइट आ सके, रोशनदान में से भवन के अंदर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुंच सके, उस दिशा विन्यास का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद होती है बनावट। बनावट का मतलब यह होता है दोस्तों कि जिस स्थान पर, जिस भूमि पर या जिस वातावरण में आपने अपने भवन का निर्माण का निश्चय किया है, तब जहां पर आपकी जमीन है उसके पूरे चारों तरफ के वातावरण को देखकर अब आपको भवन निर्माण के लिए एक नक्शा बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भवन निर्माण का जो नक्शा होता है ना, वो देखने में भी अच्छा होना चाहिए, दूसरा रहने के हिसाब से और प्राकृतिक रूप से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आसपास का वातावरण हर जगह अलग अलग होता है, तो आसपास के वातावरण को देखते हुए हमें घर का एक नक्शा बनाना पड़ेगा, बनावट बनानी पड़ेगी कि हमें किस रूप में घर को बनाना है, कि हमें सीढ़ियां कहाँ लगानी है, हमें रोशनदान कहाँ लगाने हैं, इसका खालिस्तान कहाँ छोड़ना है, घर के भवन के आगे जो खालिस्तान होता है वो कहाँ छोड़ना है, दरवाजा हमें कहाँ रखना है, इसकी एंट्री गेट कहाँ होगा, इसका एग्जिट कहाँ होगा, कितने फ्लोर का यह मकान बनाएगा, ये सारी चीज हमें पहले से ही डिसाइड करनी होगी, वह होता है बनावट। तो दोस्तों भवन निर्माण के समय स्थान का चयन करना की बात को ध्यान रखना है, भूमि का चयन हमें कैसा करना है मैंने यहाँ पर भूमियों के बारे में बताया है, उपयुक्त भूमि जो होती है वह होती पथरीली भूमि। तत्पश्चात होता है दोस्तों दिशा विन्यास। दिशा विन्यास का हमें ज्ञान होना आवश्यक है। और तत्पश्चात होता है लास्ट दोस्तों बनावट, कि उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। चले दोस्तों अब आगे बात करते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है भवन निर्माण के नियम, यानी भवन निर्माण के क्या क्या नियम होने चाहिए। भवन निर्माण के नियम, तो दोस्तों भवन निर्माण का पहला नियम कहता है भवन के बाहर खुला स्थान, भवन के बाहर खुला स्थान, यानी जब भी आप भवन का निर्माण करें तो भवन के निर्माण के सामने कुछ स्थान खुले क्षेत्र में होना चाहिए, वह बंद नहीं होना चाहिए। यह पहला नियम होता है दोस्तों। दूसरा नियम होता है नींव। भवन की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई स्थान होता है तो भवन का नींव होती है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भवन जो होता है नींव के ऊपर टिका रहता है। अगर नींव कमजोर होगी तो पूरा भवन धराशायी हो जाएगा। इसलिए नींव की जो खुदाई है तथा नींव का जो निर्माण है उस वक्त की या उस स्थान की भूमि का चयन करने के बाद उसका टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद ही नींव का निर्माण करवाइए ताकि नींव मजबूत होगी तो भवन मजबूत होगा। तत्पश्चात मंच। जैसे ही नींव का निर्माण होता है नींव के ऊपर कुछ मीटर, ठीक है, 1 से 2 मीटर ऊंची आपका एक प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि नींव जैसे अपने बिछाई उसके ऊपर प्लेटफॉर्म हम खड़ा करेंगे, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही संपूर्ण घर या संपूर्ण भवन का निर्माण होगा। इसलिए मंच का होना, प्लेटफॉर्म का होना अत्यधिक आवश्यक होता है दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों, चौथा है नक्शा। नक्शा यानी बनावट, जिसका बारे में अभी हाल ही में आपसे वर्णन किया है दोस्तों, ठीक है। अब इसके जो भवन निर्माण के जो नियम होते हैं उस नियम में 4 नियम होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा? भवन के बाहर खुला स्थान होना चाहिए, नींव होनी चाहिए, मंच होना चाहिए और होना चाहिए नक्शा। और उसके आधार पर ही आपको क्या बनाना है, एक भवन बनाना है दोस्तों। चलो अब बात करते हैं भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों के बारे में। कुछ चिन्ह होते हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करते हैं। ग्रह शिल्प में प्रयोग होने वाले चिन्ह, ग्रह शिल्प यानी भवन निर्माण दोस्तों, ग्रह शिल्प में प्रयोग होने वाले चिन्ह। चलिए थे देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से चिन्ह और चिन्ह का तात्पर्य क्या होता है। अगर चिन्ह कुछ ऐसा हो दोस्तों, कुछ चिन्ह ऐसा अगर दिखाई दे, ठीक है, तो इस चिन्ह का तात्पर्य होता है दोस्तों एक दरवाजा वो भी खुलने वाला, एक दरवाजा खुलने वाला, ठीक है। आप देख लीजिए, ध्यानपूर्वक देख लीजिए इस चिन्ह को। यह चिन्ह होता है जिसका तात्पर्य होता है कि एक दरवाजा वह खुलने वाला होना चाहिए। चले दोस्तों नेक्स्ट चिन्ह के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है जिसका तात्पर्य होता है दोनों ओर खुलने वाला दरवाजा, दोनों ओर खुलने वाला दरवाजा, वाला दरवाजा, ठीक है। आप देख लीजिए चिन्ह, देख लीजिए कुछ ऐसा चिन्ह होता है, ठीक है, जिसका तात्पर्य होता है कि दोनों ओर खुलने वाला दरवाजा। नेक्स्ट चिन्ह होता है कुछ ऐसा चिन्ह होता है दोस्तों जिसका तात्पर्य होता है एक और खुलने वाला द्वि दरवाजा, एक और खुलने वाला द्वि दरवाजा, ठीक है, ऐसा चिन्ह होता है जो एक और खुलने वाला द्वि दरवाजा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है
कुछ ऐसा चिन्ह होता है दोस्तों, कुछ ऐसा साइन होता है जिसका तात्पर्य होता है खिसकने वाला दरवाजा, खिसकने वाला दरवाजा, ठीक है, ऐसा साइन होता है खिसकने वाला दरवाजा। चलिए जो लास्ट है दोस्तों, अगर ऐसा साइन दिखे तो इसका मतलब होता है दोस्तों खिड़की, इसका मतलब होता है खिड़की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने कुछ जो ग्रह शिल्प में प्रयोग होने वाले जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में देखा। यहां से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उत्तम आवास और उसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बारे में बात की है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये भवन निर्माण से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए आप इसको सिर्फ पर्यावरण की कैटेगरी में न डालते हुए इसको अपने निजी जिंदगी के रूप में भी लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि क्या हो सके कि जो व्यक्ति भवन निर्माण करने के लिए कार्य करने वाला हो या सोच रहा हो तो इस वीडियो से वो अनेक बातों को जान सके और वह प्राकृतिक आपदा से बच सके। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा चाहता हूँ आज से और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।